हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज की। छत्तीसगढ़ की सीरीज ही चल रही है अभी तक मेरी, सारे कॉलेजेस धीरे धीरे 2024 के लिए जो न्यू न्यू अपडेट्स है उसके लिए मैं आपको अपडेट कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो 2024 के बच्चों को एडमिशन लेने में इन कॉलेजेस में। इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे इस वीडियो में, उसका क्या कट ऑफ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या लास्ट ईयर के बच्चों ने जो गलतियां की 2024 के बच्चे ना करें। एम्स रायपुर, एम्स मतलब एम्स का नाम सुनकर तो आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज का टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं एम्स, तो रायपुर में है ये छत्तीसगढ़ में। इसके पूरी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर एम्स। 2012 में इस्टेब्लिश हो गया था कैंपस और एफिलेटेड है ये, आपको पता है गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, गवर्नमेंट का तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ से एफिलेटेड है रायपुर से, और NMC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। मेन बात दिखाओ को बता देती हूँ इसकी क्या है। ये जो है ना एम्स रायपुर इज वन ऑफ द सिक्स एम्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है ये, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्टैब्लिश किया है सिक्स। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अच्छे लेवल पे आता है, अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी ओपीडी है, सारी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट कॉलेज में जो होती है अच्छे खासे। अब बात करते हैं कैंपस की, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, 100 एकर्स में ये ग्रीनिश लेविश कैंपस बना हुआ है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो गया, हॉस्टल बिल्डिंग हो गया, जिम हो गया, हर चीज वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। एमबीबीएस की बात करें तो 125 इनटेक की अभी एमबीबीएस की सीट्स का लेते हैं, और एमडी एमएस और भी जो भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज सारे कोर्सेज ये लोग रन करते हैं। 157 सीट है एमएस एमडी की। हॉस्पिटल की बात करें तो 900+ बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है सारी सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज के साथ, और 1500 से 2000 पर डे की ओपीडी है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको खुद ही पता है कि ओपीडी बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। मैंने आपको बता दिया सिक्स एम्स है जो खुद गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है रायपुर वाला। और बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की और इसके कट ऑफ की, जो 2023 में क्या कट ऑफ गई थी, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो देखो जनरल ओबीसी के लिए 60% है जो चाहिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। एससी एसटी को 50% चाहिए मिनिमम परसेंटाइल, ये सब नोटिस किया जाता है वहां पे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फीस की बात करते हैं तो 5,856 रुपीज फीस है, और आपको इसका ब्रेकअप करके ही बता देती हूँ कि क्या क्या चीजों से लोग फीस ले रहे हैं पर ईयर। इसकी आपका रजिस्ट्रेशन फी है 25 रुपये, कॉशन मनी जाता है 100 रुपये, ट्यूशन फी है 1,350 रुपये, लैब चार्जेस जाते हैं 90 रुपीज, स्टूडेंट यूनिफॉर्म फी है 63 रुपीज, हॉस्टल सिक्योरिटी है रिफंडेबल है वो बट 1,000 रुपीज। हॉस्टल रेंट की बात करें तो 990 रुपये हॉस्टल रेंट है, जिम फी है 220 रुपये, पॉट फंड है 1,320 रुपये जो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाते हैं 198 रुपीज, मेस सिक्योरिटी जाती है 500 रुपये। मेस की बात करें तो देखो 3,000 to 3,500 के अराउंड पर मंथ मेस भी जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना। ट्यूशन फी 1,350 रुपये, ये आपका फर्स्ट टाइम जब एडमिशन के टाइम चार्जेस जाते हैं वो हैं, उसके बाद आपका हॉस्टल ट्यूशन फी हो गया, आपका एग्जाम चार्जेस, यही सब जाते हैं, तो आप ये माइंड में रखिएगा अपने। बात करते हैं कट ऑफ की, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 680 प्लस अराउंड आपका होना चाहिए स्कोर, तभी आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। ओबीसी की बात करें तो 676, देखो क्या होता है ना जो जनरल ओपन कैटेगरी के बच्चों तो उनके लिए तो बहुत उन्हें फाइट करना ही पड़ता है, जो एससी एसटी है तो अगर आपके 600 मार्क्स भी आ गए एसटी में तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं ये। और ईडब्ल्यू लास्ट ईयर का बता रही हूँ, लास्ट ईयर कट ऑफ हाई गई थी, इस ईयर के लिए 2024 के लिए 600 अबव एससी एसटी में आ गए तो आपको मिल जाएगा। 680 670 जनरल वाले ट्राई कर सकते हैं, कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोगों की पेड काउंसलिंग भी होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉलेज नहीं समझ में आ रहा कौन सा स्कोर में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वो भी हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 676 मैंने आपको बता दिया, ईडब्ल्यूएस जाता है 674 लास्ट ईयर गया 2023 में, एसटी गया है 605 और एससी गया है 635, तो आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका 600 प्लस अबव स्कोर आना ही चाहिए एम्स के लिए, और बाकी जो कोई स्टेट के बच्चे हैं कोई, तो वहां पे 550 अराउंड आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है एम्स के अलावा, और भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं।
ये भी छत्तीसगढ़ के कॉलेज की सीरीज में कवर करूँ। अगर आपको कोई और कॉलेज में वीडियो बनानी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे कमेंट आया भी है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर कोई और कॉलेज के लिए आपको जानना है वीडियो, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसका कट ऑफ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। और हमेशा से मैं कहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, 2024 की अपडेट्स के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉलेज एडमिशन।